हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। ब्रिटेन में एक ट्रेन द्रुत गति से दौड़ी जा रही थी। ट्रेन अंग्रेजों से भरी हुई थी। उसी ट्रेन के एक डिब्बे में अंग्रेजों के साथ एक भारतीय भी बैठा हुआ था। डिब्बा अंग्रेजों से खचाखच भरा हुआ था। वे सभी उस भारतीय का मजाक उड़ाते जा रहे थे। कोई कह रहा था, देखो कौन नमूना ट्रेन में बैठ गया, तो कोई उनकी वेशभूषा देखकर उन्हें गवार कह रहा था। सभी उनका मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, कुछ न कुछ बोलते जा रहे थे। कोई तो इतने गुस्से में था कि ट्रेन को कोस कर चिल्ला रहा था, एक भारतीय को ट्रेन में क्यों चढ़ा लिया, काले भारतीय, इसे डिब्बे से उतारो। किंतु उस धोती कुर्ता काला कोट और सिर पर पगड़ी पहने शख्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह शांत गंभीर भाव से बैठा था, मानो किसी उधेड़बुन में लगा हो। ट्रेन तेजी से अपनी रफ्तार पकड़े हुए थी। अंग्रेजों का उस भारतीय का हंसी उड़ाना अपमान भी जारी था, किंतु एकाएक उस शख्स सीट से उठा और जोर से चिल्लाया, ट्रेन रोको। कोई कुछ समझ पाता कि उसके पूर्व ही उसने ट्रेन की जंजीर खींच दी और ट्रेन रुक गई। अब तो अंग्रेज उस पर टूट पड़े, बहुत गुस्सा फूट पड़ा कि मारो इसको, गालियां देने लगे। गंवार, जाहिल, कितने भी शब्द उनके शब्दकोश में थे, सभी बोले जा रहे थे। किंतु वह शख्स गंभीर मुद्रा में शांत खड़ा था, मानो उस पर किसी बात का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। उसकी चुप्पी अंग्रेजों का गुस्सा और बढ़ा रही थी। ट्रेन का गार्ड दौड़ा दौड़ा आया, कड़क आवाज में पूछा, किसने रोकी ट्रेन? कोई अंग्रेज बोलता कि उससे पहले ही वह शख्स बोल उठा, मैंने रोकी श्रीमान, पागल हो क्या, पहली बार ट्रेन में बैठे हो तुम भारतीय, तुम्हें पता है कि बिना कारण ट्रेन रोकना अपराध है, गार्ड गुस्से में बोला। हम श्रीमान ज्ञात है, किंतु मैं ट्रेन न रुकता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। उस शख्स की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे, किंतु उसने बिना विचलित हुए पूरे आत्मविश्वास से कहा, यहाँ से करीब 220 गज की दूरी पर पटरी टूटी हुई है, आप चाहे तो चलकर देख सकते हैं। गार्ड के साथ वह शख्स और कुछ अंग्रेज सवारी भी चल दी। रास्ते भर अंग्रेज उसकी हंसी उड़ाते जा रहे थे, अजीब नज़रों से उसे देख रहे थे, किंतु सबकी आंखें उस वक्त फटी की फटी रह गईं जब बताई गई दूरी के आसपास पटरी टूटी हुई थी, नट बोल्ट खुले हुए थे। अब गार्ड सहित वे सभी चेहरे उस भारतीय को गंवार, जाहिल, पागल जो कह रहे थे, वे सभी उसकी ओर कौतूहलवश देखने लगे, मानो पूछ रहे हो आपको ये सब इतनी दूरी से कैसे पता चला। गार्ड ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला पटरी टूटी है? उसने कहा, श्रीमान लोग ट्रेन में अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, उस वक्त मेरा ध्यान ट्रेन की गति पर केंद्रित था। ट्रेन स्वाभाविक गति से चल रही थी, किंतु अचानक पटरी की कंपन से उसकी गति में परिवर्तन महसूस हुआ। ऐसा तब होता है जब कुछ दूरी पर पटरी टूटी हो, अतः मैंने बिना छड़ गवाए ट्रेन रोकने हेतु जंजीर खींच दी। गार्ड और वहाँ खड़े अंग्रेज दंग रह गए। गार्ड ने पूछा, इतनी बारीकी, इतना तकनीकी ज्ञान, आप कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, अपना परिचय दीजिए। शख्स ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, श्रीमान मैं इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वसरैया। जी हाँ, यह असाधारण शख्स कोई और नहीं थे, डॉक्टर विश्वेश्वरैया थे, जो देश के प्रथम इंजीनियर थे। आज उनका जन्मदिवस है, उनके जन्मदिवस को अभिमन्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश भर के इंजीनियर इसे धूमधाम से मनाते हैं। अभियंता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुच गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर के कोलार जिले के चिक्का बल्लापुर तालुका में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेका चम्मा था। पिता संस्कृत के विद्वान थे। विश्वेश्वरैया को भारत की प्रौद्योगिकी का जनक माना जाता है। वे ईमानदारी, त्याग, मेहनत इत्यादि जैसे गुणों से संपन्न थे। उनका कहना था कि कार्य जो भी हो, लेकिन इस ढंग से किया जाए कि वो दूसरे कार्यों से श्रेष्ठ हो। विश्वेश्वरैया ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उन्हें बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। विश्वेश्वरैया की आत्मकथा वाली पुस्तक का नाम है मेमायर्स ऑफ माई वर्किंग लाइफ। इस पुस्तक में वे लिखते हैं, मैंने चार सिद्धांतों को आज से अंत तक अपनाए रखा, जो मेरी ही तरह सफल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें उन सिद्धांतों का स्मरण दिलाना चाहता हूँ। उनसे अनुरोध करता हूँ मेरी ही तरह अन्य लोग भी उसे अपनाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा,
यह सोचते रहो कि आज की अपेक्षा कल किस तरह अधिक अच्छा काम हो सकता है। जो सीख चुके हो उसे अधिक सीखने का प्रयत्न करो। सोचो, योजना बनाओ, गुणों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के उपरांत ही काम में हाथ डालो। लगन से काम करो, मेहनत से जी न चुराओ। आराम कड़ी मेहनत के उपरांत ही मिलता है। अहंकारी मत बनो, स्वभाव से विनम्र बनो। आज 12वीं क्लास में पढ़ रहे छात्रों से पूछा जाए तो अक्सर वे इंजीनियर या डॉक्टर बनेंगे ऐसा बताते हैं। भारत के पहले सिविल इंजीनियर कहे जाने वाले एम विश्वेश्वरैया, जिनका पूरा नाम मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया था, उन्हें सर एमबी के नाम से भी पुकारा जाता था। सर एमबी का जन्म 15 सितंबर 1861 में हुआ था। एम विश्वेश्वरैया ने राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके इस योगदान को सम्मान देने के लिए 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इस दिन की घोषणा 1968 में की गई थी। मैसूर के कोलार जिले की का बल्लापुर तालुक में एक तेलुगु परिवार में जन्मे थे विश्वेश्वरैया, और उन्होंने 1883 में पुणे के साइंस कॉलेज में सिविल इंजीनियर की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद वह सहायक इंजीनियर के पद पर सरकारी नौकरी में थे और 1912 से 18 तक मैसूर के 19वें दीवान के तौर पर कार्य किया। मैसूर कर्नाटक को एक विकसित और समृद्धशाली क्षेत्र बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। कृष्णराज सागर बांध, भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर संदल ऑयल एंड सोप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय, बैंक ऑफ मैसूर समेत कई अन्य महान उपलब्धियां सिर्फ एमबी के प्रयासों से ही संभव हो सकी। इसी कारण से उन्हें कर्नाटक का भगीरथ कहा जाता है। आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के उपायों को ढूंढने के लिए समिति बनाई। इसके लिए विश्वेश्वरैया ने स्टील के दरवाजे बनाए जो बांध से पानी के बहाव को रोकने में मददगार थे। उस समय उनके इस सिस्टम की ब्रिटिश अधिकारियों ने बहुत प्रशंसा की थी। आज इस प्रणाली का इस्तेमाल पूरे विश्व में किया जाता है। इसके अलावा सर एमबी ने मूसा व ईसा नाम की दो नदियों के पानी के बांध को रोकने के लिए प्लान तैयार किया था, और इसी के बाद मैसूर का मुख्य अभियंता भी इन्हें बनाया गया। एमबी की शिक्षा की अहमियत को अच्छी तरह समझते थे और गरीबी को शिक्षा का सबसे बड़ा कारण समझते थे। एम विश्वेश्वरैया के इस योगदान को देखते हुए आज़ादी के बाद साल 1955 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मानित किया गया। विश्वेश्वरैया 100 से अधिक आयु तक जीवित रहे और वे जब तक जीवित रहे सक्रिय रहे। उनके इतने एक्टिव रहने को लेकर एक बार व्यक्ति ने उनसे पूछा कि क्या राज है जो आप इतने एक्टिव हैं, तो विश्वेश्वरैया जी ने जवाब दिया कि जब कभी भी बुढ़ापा मेरा दरवाज़ा खटखटाता है तो मैं कह देता हूँ विश्वेश्वरैया घर पर नहीं है। इससे बुढ़ापा निराश होकर लौट जाता है, उससे कभी मेरी मुलाकात हो ही नहीं। अगर अभी तक आपने शैक्षिक पटल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे। नमः शिवाय। जय श्री राम।